छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अरविंद नेताम और सोहन पुटाई आज अल्प प्रवास पर शहर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार और अजीत जोगी की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नई पार्टी बनाने का उद्देश्य आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना है। आज छत्तीसगढ़ में समाज, शिक्षा, बेरोजगारी और किसान समस्या विकराल हो गई है। पूर्व सांसद मोहन पुटाई ने नक्सली समस्या के लिए राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि बस्तर संभाग में नक्सली समस्या को पुलिस आतंक से नहीं की जा सकती, स्थानीय प्रतिनिधि ही नक्सलियों से छुटकारा दिला सकते हैं। भी राजनीतिक दल बनती है कि अपनी विचारधारा को लेकर बनती है, आदमी को लेकर बनती नहीं। योगी जी का अपना एक सोच है, वो अपनी सोच है। राहत ने बीजेपी को हटाने की बात तो हम तो कह सकते हैं कि आज तक के बीजेपी को इस्टेब्लिश करने में योगी जी का भी हाथ है, उसको इनकार नहीं कर सकते आप, और भविष्य में भी हो सकता है, उसको भी इनकार नहीं कर सकते। तो योगी जी की भूमिका को एसेस करना, आकलन करना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक आकलन, मैं राजनीतिक आकलन की कह रहा हूँ, वो कब क्या इसमें क्या मैंने दांव खेल दे उसका कोई ठिकाना। हम लोगों ने कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर के एक नई पार्टी की घोषणा की है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। हालांकि पुरानी पार्टी है जो 2008 में रजिस्टर हुई, अभी भी उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं मिलकर के। ये सोच के पीछे एक सबसे बड़ी कारण लाइक माइंडेड लोग जो भी हैं उनका ये चिंता का विषय है कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य बनवाया। बहुत सारे जो विषय है कई बार मीडिया में भी आ चुका है, वो सब आएंगे, वक्त आएंगे और वक्त आते ही सब ये करेंगे। नहीं तो पहले होता है तो देखिए, अभी हमारे नेताम जी है जो अजीत जोगी के जाति के मामले में अभी तक लटक रहे हैं। यदि दूसरा होते तो अभी तक कई लोग, कई अधिकारी भी अब तक वो टर्मिनेट हो गए। अब वो उनके सगा संबंधी भी कहे कि भाई इनको जाति स्पष्ट करना चाहिए, चाहे ये सतनामी है कि आदिवासी। लेकिन जहाँ तक जो उनके पास जो रिकॉर्ड है, जो खरीदी गई है उसके पिताजी ने ट्राइबल की, उसमें कलेक्टर से अनुमति ली है, उसकी माताजी के नाम से जमीन था उसने बिक्री की है, उस समय कोई सामान्य वर्ग को उस समय कोई परमिशन नहीं है, जबकि ट्राइबल का जो जमीन है कोई ट्राइबल अदर खरीदता है तो